तंबाकू इज इंजीरियस टू हेल्थ। दोस्तों यह लाइन आपको हर एक गुटखे के पैकेट पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें यह लिखा होता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तंबाकू खाने से दर्दनाक मौत होती है या फिर तंबाकू खाने से कैंसर होता है। लेकिन हैरानी वाली यह बात है कि यह सब कुछ जानते हुए भी इसे लोग खाने से बाज नहीं आते हैं। और गुटखे को क्यों खाना नहीं चाहिए आपको यह भी बताऊंगा, जो आपको हर एक गली और नुक्कड़ पर गुटखे और तंबाकू मिल जाएंगे। दोस्तों डॉक्टरों का कहना है कि एक दिन में लगभग 2600 लोग तंबाकू एवं गुटखे के कारण अन्य बीमारियों से दम तोड़ देते हैं और एक साल में लगभग 60 लाख लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। और हमारे देश में हर रोज 150 करोड़ रुपए का गुटखा खाकर लोग सड़क पर थूक देते हैं, जो कि बिजनेस से कई गुना बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कमला पसंद यानी गुटखे को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? और जब आप टीवी पर न्यूज या प्रोग्राम देखते हैं तो आपको यह एड जरूर देखने को मिलता होगा और इसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार कमला पसंद का ऐड करते हैं। दोस्तों पान मसाला को बनाने के लिए सबसे अहम चीज है सुपारी। सुपारी की खेती की जाती है और यहाँ से सुपारी को तोड़कर फैक्ट्रियों तक लाया जाता है, फिर इसे एक एक करके लकड़ी पर पटका जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, ताकि सुपारी के फल अलग हो जाएं। जब सुपारी के फल अलग हो जाते हैं तो तब इन्हें सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए करने से जो सुपारी के अंदर नमी रहती है वह नमी खत्म हो जाती है और इस वजह से सुपारी जल्दी खराब नहीं होती है। और जब यह अच्छे से सूख जाता है तब इसे महिलाओं द्वारा इनके दाने को निकाला जाता है और यह महिलाएं अपने हाथ में पट्टी बांधकर सुपारी के अंदर से दाने को निकाल देती हैं। दोस्तों अब बारी आती है पैराफिन वैक्स को उबालने की। और यहाँ पर पैराफिन वैक्स को उबालने के लिए सुपारी के छिलके को प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों जब यह पैराफिन वैक्स उबलने लगता है तब सुपारी के दाने को डाल दिया जाता है ताकि सुपारी अच्छे से उबल जाए। सुपारी को उबालने के बाद इसको दो टुकड़े में कर दिया जाता है और धूप में छोड़ा जाता है सूखने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपारी कितनी अच्छी तरीके से सूख गई है। अब आती है बारी तंबाकू को मिलाने की। दोस्तों तंबाकू को छोटे छोटे फ्रेम में उगाया जाता है और जब यह 3 महीने में लगभग 4 से 6 इंच के हो जाते हैं तब इन्हें खेतों में रोपा जाता है। जैसे कि धान की खेती होती है ठीक वैसे ही इन्हें रोपा जाता है। और जब तंबाकू के पत्ते बड़े हो जाते हैं तो पत्ते को काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहा जाता है और इन पत्तियों को फैक्ट्री तक लाया जाता है और इन्हें हीटिंग के द्वारा सुखाया जाता है। जब यह पत्ती भूरे कलर की हो जाती है तब इसे मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाता है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, अब आती है बारी शीशे यानी कांच को पीसने की। दोस्तों कांच की बोतल को गुटखे में इसलिए पीस कर डाला जाता है ताकि जब हम गुटखा को खाते हैं तब कांच हमारी मुंह को काटता है, इसलिए गुटखे से नशा होती है। और इन सबको मिक्स करके छोटे छोटे पैकेटों में मशीनों द्वारा पैक कर दिया जाता है, फिर इन्हें फैक्ट्री से मार्केटों में भेज दिया जाता है और तभी मार्केट में आसानी से गुटखा मिल जाता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गुटखे खाने से हम किन किन बीमारियों से जूझ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।